हाय एवरीवन, जैसे जैसे चिलचिलाती गर्मी आती है हमारी स्किन चेंजेस एक्सपीरियंस करने लगती है। पूरे दिन एक्सेसिव हीट एंड ह्यूमिडिटी के साथ स्किन ज़्यादा प्रोटेक्शन का डिमांड करती है। अनोइंग रैशेज एंड सनबर्न से लेकर जिद्दी टैन एंड एक्ने होने लगते हैं। वेदर गर्म होते ही एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स एक्सेस सीबम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। सिक्रेटेड ऑयल स्किन के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, जिससे फिर स्टिकिनेस, ग्रीस एंड पोर्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं। एक्ने ब्रेकआउट समर में होने वाले मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्किन में बैक्टीरिया एंड ऑयल स्किन के साथ मिल जाते हैं, जिससे फिर पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और फिर एक्ने होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि गर्मियों में अनवांटेड समर इश्यूज से दूर रहने के लिए तुरंत अपना स्किन केयर गेम शुरू करें। इस गर्मी में हम अपने स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। फूड में सैलेड एंड वेजिटेबल जैसे कि क्यूकम्बर, कैरेट वगैरह इंक्लूड करें। ये बॉडी को अंदर से कूल रखने में हेल्प करेंगे। वाटरमेलन, मस्कमेलन जैसे सीजनल फ्रूट्स खाएं। सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस जो स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे, वो भी अपने डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट, गर्मी में वाटर इंटेक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर होना चाहिए। नारियल पानी, वाटरमेलन एंड फ्रेश जूसेस हाइड्रेटेड रहने के लिए अच्छा तरीका है। पानी पीने से बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। डाइट में कर्ड एंड बटर मिल्क को जरूर इंक्लूड करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ, इसके लिए मैं अपने आसपास एक पानी की बोतल भर के रखती हूँ। इस तरीके से मैं दिन भर में 5 से 6 बोतल पी पाती हूँ, वरना हार्डली 6 to 7 glasses ही हो पाते हैं। नेक्स्ट, एक स्किन केयर रूटीन बनाएं और इसे रिलीजियसली फॉलो करें। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स के बजाय वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स चूज करें, क्योंकि ये लाइटर एंड नॉन ग्रेसी होते हैं। दिन में 2 बार क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग स्किन को क्लीन एंड फ्रेश रखने में हेल्प करेगा। टैग द आयुर्वेदा कंपनी, जो कि शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर हुए हैं इस सीजन, इनका कुमकुमादी फेस वॉश, जो कि इंडिया का पहला आयुर्वेदिक फेस वॉश है, कुमकुमादी एंड 24K गोल्ड डस्ट के साथ, सल्फेट, पैराबेन एंड टॉक्सिन्स फ्री हैं। स्किन को ड्राई नहीं करता है ये, डीपली क्लेंस, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को रिमूव करके स्किन को नरिश करता है। साथ ही डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है और गोल्डन ग्लो देता है। दिन में 2 बार क्लेंस करें, नाइट में मॉइस्चराइजर और डे में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। अब गर्मियों में हमें लाइट मॉइस्चराइजर्स के लिए उन हैवी कोल्ड क्रीम्स एंड शिया बटर को डिच करना होगा। पर इस गलत फहमी में ना रहें कि स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत ही नहीं है, बल्कि समर में स्किन केयर के लिए लाइट एंड नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जो इस वेदर में सूट हो, और अगर उनमें SPF हो तो और भी अच्छा है। टैग 10% कुमकुमादी डे क्रीम में SPF 20 है। ये स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ UV रेज से भी प्रोटेक्ट करता है, ब्लेमिश एंड स्पॉट्स को लाइट करता है। लाइट वेट है ये, क्विकली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट है UVA एंड UVB के हार्श रेस से बचने के लिए और प्रीमेच्योर एजिंग, एज स्पॉट्स, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स प्रिवेंट करने के लिए एक अच्छा सनस्क्रीन जिसमें SPF 30 टू 50 के बीच में हो, वो समर्स में बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मोस्ट ऑफ द टाइम घर में ही क्यों ना हो। टैग का इलादी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, इसका SPF 50 है और ये UV रेस से प्रोटेक्ट करेगा। ऑयल फ्री एंड नॉन स्टिकी है, सैटिन फिनिश देता है ये। इसमें इलादी एंड नीम स्किन को काम एंड सूथ करने के साथ एक्ने से भी प्रोटेक्ट करेंगे, और इसे प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा सेफ, इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग, होलिस्टिक एंड काइंड होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ टैग यानी कि द आयुर्वेदा कंपनी के प्रोडक्ट सजेस्ट किए, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। इनको बाय करने के लिए अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। आईज, लिप्स, फीट एंड अपने बॉडी को भी प्रोटेक्टेड रखें। हमेशा लोग आईलेट्स पे सनस्क्रीन अप्लाई करना भूल जाते हैं, तो अपने आईलेट्स पे भी सनस्क्रीन लगाएं और इसके साथ ईयर्स एंड ईयर्स के पीछे भी सनस्क्रीन लगाएं।
लिपस्टिक के नीचे एक अच्छा SPF वाला लिप बाम लगाएं। और फिर जब स्किन हार्मफुल यूवी रेस से एक्सपोज्ड होती है तो स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। मेलानिन में फोटो प्रोटेक्टिव क्वालिटीज होते हैं। एक्सेस मेलानिन की वजह से डार्कर एंड टैंड स्किन होते हैं। दूसरे प्रॉब्लम्स में इचे स्किन, घमोरियां, सनबर्न एंड सन के कारण सेंसिटिविटी की वजह से रैशेज इंक्लूडेड हैं। स्लीवलेस वगैरह पहनते हैं तो बॉडी सनस्क्रीन भी यूज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टैन और सन डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए एक्सपोज्ड एरियाज पे सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। अलग से बॉडी सनस्क्रीन ना लेना हो तो ऐसा लोशन ले जिसमें SPF ऑलरेडी हो, तो इससे आपको मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन दो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही में आपका काम बन जाएगा। फीट एक्सफोलिएट करने के लिए स्क्रब करें और इन्हें भी मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन भी इन पे जरूर अप्लाई करें। स्पेशली जब आप ओपन सैंडल्स वगैरह पहन रहे हैं तो जरूर सनस्क्रीन लगाएं। ये कहने की तो जरूरत नहीं है पर समर्स हैं तो हैवी मेकअप अवॉइड करें क्योंकि ये स्किन ब्रीद करने से रोकते हैं। ह्यूमिडिटी एंड हीट भी स्किन के ब्रीथ करने की एबिलिटी को रोकता है। हैवी फाउंडेशन और दूसरे मेकअप प्रोडक्ट्स के बजाय अगर आपको मेकअप अप्लाई करना है तो टिंटेड लिप बाम और टिंटेड मॉइस्चराइजर कंसिडर करें। मैं स्किन केयर करने के बाद ज्यादातर टिंटेड लिप बाम मैं लिप्स एंड चीक्स वगैरह पे अप्लाई कर लेती हूँ और मस्कारा। बस इसके अलावा मैं और कुछ ज्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मेकअप की वजह से फिर और ज्यादा गर्मी लगती है। नेक्स्ट, गर्मियों में ब्रीदेबल फैब्रिक्स प्रिफर करें। कॉटन गर्मियों में पहनने के लिए सबसे अच्छा फैब्रिक है। लूज और लाइट कपड़े पहने। सिंथेटिक फैब्रिक में टाइट फिटिंग गार्मेंट्स अवॉइड करें क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट को इंक्रीज करते हैं और इनमें स्वेटिंग भी ज्यादा होती है जिससे स्किन इची होती है और इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, अपने स्किन केयर रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी इंक्लूड करना जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट सीरम स्किन को हाइड्रेट करने के लिए अमेजिंग वर्क करते हैं। इसके अलावा ये हमारे स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, कोलेजन बूस्ट करने में हेल्प और स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं। समर स्किन केयर रूटीन में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सीरम इंक्लूड करें। ऑल्टरनेटिवली सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन टी एक्सेट्रा स्टॉक करके इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। समर में स्किन केयर के लिए विटामिन सी सीरम गुड ऑप्शन है। ये बेनिफिशियल होते हैं। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है जो स्किन को ऑक्सीडेंट से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और हार्मफुल यूवी रेज के कारण होने वाले पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। शुगरी ड्रिंक्स से जितना हो सके उतना दूर रहें। एक्सेस शुगर की वजह से शुगरी ड्रिंक्स सुस्त फील करवाते हैं। इसके अलावा ये बॉडी के लिए कोई वैल्यू नहीं ऐड करते हैं क्योंकि उनमें कोई हाइड्रेटिंग क्वालिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं। ये अनहेल्दी एंड वेट गेन करते हैं, इसलिए कोला की जगह आप नींबू पानी पिएं। और इन सब के साथ अपने हेल्दी स्किन के लिए उसे एक्सफोलिएट करना भी ज़रूरी है। फेस से एक्सेस डर्ट एंड ऑयल रिमूव करने के लिए वीक में कम से कम एक बार स्क्रब ज़रूर करें, लेकिन हाँ, जो आपके स्किन टाइप के लिए सुइटेबल हो वही यूज़ करें। जेंटली सर्कुलर मोशन में स्क्रब को मसाज करें। मेक श्योर लिप्स एंड नेक को भी एक्सफोलिएट करें। बॉडी के लिए आप DIY स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल एंड शुगर मिक्स करके इसे अपने बॉडी पर अप्लाई करके स्क्रब कर सकते हैं। लास्ट टिप है, स्किन को हाइड्रेटेड रखें। समर में एवरी टाइम हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रेगुलर इंटरवल्स पे स्किन को फ्रेश रखने के लिए फ्रीक्वेंटली फेस पे वाटर स्प्लैश करें या फिर फेशियल मिस्ट लगा सकते हैं। सोते टाइम एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए नाइट में फेस वॉश करने के बाद हाइड्रेटिंग मास्क यूज कर सकते हैं।
ये कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, आप इनमें से क्या क्या फॉलो करते हैं या इनके अलावा आपके कौन कौन से टिप्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।